संतोष भाई, ये वाला ले या ये वाला ले? ये वाला सस्ता है, ये वाला महंगा है, कौन सा ले? हमारा पानी कुएं का है, हमारा पानी नदी का है, हमारा पानी बोरवेल का है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूँ इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, खेती में सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है? पानी। और पानी के साथ साथ क्या जरूरी होता है? सिंचाई। और दोस्तों, सिंचाई में सबसे जरूरी चीज़ आजकल जो आ चुकी है वो ड्रिप इरिगेशन। और इरिगेशन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो है फिल्टर्स का। अगर आप फिल्टर्स नहीं यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आपकी ड्रिप इरिगेशन चोकअप हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इतना सारा पैसा लगाते हैं, अच्छी खासी वेजिटेबल जब लाते हैं और ड्रिप की वजह से सिंचाई नहीं हो पाती है, तब तो दिक्कत ही दिक्कत। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फिल्टर्स के बारे में। फिल्टर्स कितने में आते हैं, कहाँ लगाना चाहिए, कौन सा कहाँ लगाना चाहिए, उसका मेंटेनेंस क्या है और कौन सा बेहतर है, और उसके बाद दोस्तों मेरी राय क्या है वो भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है जरूर दबाइए। तो किसान भाइयों, आपका पानी का सोर्स क्या है और आप कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, ये मुझे आप जरूर बताइए कमेंट में। तो किसान भाइयों, आज हम टॉप 5 फिल्टर्स में जो बात करने वाले, उसमें सबसे पहले जो फिल्टर आता है वो है सैंड फिल्टर। तो दोस्तों, सैंड फिल्टर जो है प्राइमरी फिल्टर कहा जाता है इसको, क्योंकि प्राइमरी फिल्टर जो है आपको, मतलब जहाँ नहर का पानी है, नदी का पानी है या बहता पानी है, जहाँ पे पानी का ठहराव नहीं है, वहाँ पे आपको प्राइमरी फिल्टर यूज करना पड़ता है, यानी कि यहाँ पे सैंड फिल्टर दोस्तों सबसे पहला। तो सैंड फिल्टर दोस्तों देखिए किसको फिट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सैंड फिल्टर तो जहाँ पे सोर्स के हिसाब से डिपेंड करता है फिल्ट कहाँ पे करना है। अगर नदी का पानी आपके यहाँ पे ज़्यादा गंदा पानी आता है, तो आप वहाँ पे सैंड फिल्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो सैंड फिल्टर के साथ साथ एक और छोटा आपको फिल्टर यूज़ करना पड़ता है आगे, उसके स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको मैं एक सही बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि सैंड फिल्टर में कुछ ना कुछ गंदगी थोड़ी आगे जाती ही है। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो कहती है कि आपको सैंड फिल्टर के आगे छोटा फिल्टर लगाना अनिवार्य है, क्योंकि गंदगी आगे जाती है तो वो ड्रिप इरिगेशन खराब हो जाएगी, फिर आप कहेंगे कि सैंड फिल्टर खराब है, बेकार है। तो देखिए, सैंड फिल्टर क्या है कि सैंड फिल्टर के अंदर एक छोटे छोटे सिलिकॉन के पार्टिकल आते हैं, कंकड़ आते हैं, उसके अंदर से पानी जाता है और साफ होकर आगे इरीगेशन में जाता है। तो सैंड फिल्टर में देखिए अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे कि 30,000 लीटर एक घंटे में पानी पास करता है, 50,000, 80,000, आपके एरिया अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बड़ी खेती है और पानी आपको ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है, तो आप जो है बड़ा फिल्टर लीजिए, या तो छोटा भी आपके एरिया है तो छोटा आप फिल्टर लगा सकते हैं, वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, सैंड फिल्टर मतलब मेंटेनेंस क्या है? तो सैंड फिल्टर में मेंटेनेंस दोस्तों कुछ नहीं है, आपको साल डेढ़ साल में आपको उसके अंदर की जो छोटी छोटी सिलिकॉन की बालू है वो आपको चेंज करनी पड़ती है बस। और धोने में अगर उसको देखा जाए तो कुछ नहीं है, दो तीन दिन में एक बार धोना पड़ता है। उसके ऊपर एक प्रेशर गेज मीटर आता है दोस्तों, उस प्रेशर गेज मीटर को जो है रेड लाइन पे जाने के बाद आपको एक वाल्व घुमाना है, सैंड फिल्टर ऑटोमेटिक साफ हो जाएगा। दोस्तों, सैंड फिल्टर की प्राइस रेंज क्या है? तो देखिए, 20,000 से लेके 1,00,000 तक अलग अलग सैंड फिल्टर्स आते हैं दोस्तों। आपके एरिया वाइज आपको सिलेक्ट करना है आपको कौन सा लगता है। अब दोस्तों, दूसरा फिल्टर जो आता है प्राइमरी में ही है, उसको उस फिल्टर का नाम है दोस्तों हाइड्रोक्लोरीन फिल्टर। अब दोस्तों देखिए, हाइड्रोक्लोरीन फिल्टर और सैंड फिल्टर, इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों तो है ही प्राइमरी, लेकिन फर्क क्या है कि हाइड्रोक्लोरीन फिल्टर थोड़ा सस्ता है और बजट में है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा बार बार धोना पड़ेगा। हाइड्रोक्लोरीन फिल्टर जो है ऐसे कोन की तरह रहता है, शंकु की तरह रहता है दोस्तों। उसमें क्या है कि ग्रेविटी के द्वारा इससे पानी गोल घुमाया जाता है, और उसके अंदर ग्रेविटी की वजह से कंकड़ जो है नीचे आके बैठ जाते हैं, और नीचे एक बड़ी पाइप रहती है, उसी फिल्टर में कनेक्ट रहती है, उसमें गंदगी आने की साइड में हॉल जब घुमा देंगे तो पूरी गंदगी बाहर निकल जाती है, और जब पानी साफ होता है तो साइड से फिर ऊपर आके आपकी इरिगेशन में आगे चला जाता है। लेकिन हाइड्रोक्लोरीन को भी आपको एक आगे छोटा फिल्टर लगाना जरूरी है, क्योंकि ये बड़ी गंदगी साफ करता है हाइड्रोक्लोरीन दोस्तों। तो ये भी दोस्तों, इसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं है, लाइट वेट है, हल्का है, आप इसको यूज कर सकते हैं, नदी का पानी, बहता पानी, नहर का पानी या कुएं पे भी यूज कर सकते हैं, कहीं पे आपको जहां जरूरत है चाहे जहां वहां पे इसको हाइड्रोक्लोरीन फिल्टर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक छोटा फिल्टर जो है आगे लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, इसमें मेंटेनेंस की अगर बात करें तो इसमें कुछ ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, सब ये ऑटोमेटिक ऊपर से, मतलब इसको साफ होता है, खोलना वोलना की जरूरत मतलब नहीं पड़ती इस फिल्टर को जो है। इसकी प्राइस रेंज जो दोस्तों है 7,000 से लेके 10,000-11,000 तक है। उसके बाद इसके आगे एक फिल्टर फिट करना पड़ता है, और इसको कोई भी किसान भाई हमारे लगा सकते हैं। अब दोस्तों, हमारा तीसरा फिल्टर जो आता है वो है स्क्रीन फिल्टर। अब ये दोस्तों सेकेंडरी में आता है।
तो कॉमनली हम लोगों ने देखा होगा कि स्क्रीन फिल्टर जो है हमारे सब किसान भाई यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी हो, स्क्रीन फिल्टर लगाना बहुत पसंद करते हैं। स्क्रीन फिल्टर सीधा आसान है, लोहे में भी आता है, प्लास्टिक में भी आता है, उसमें एक जाली रहती है लंबी सी, उसमें पानी पास हो के पास हो जाता है आगे, बस जाली निकाल के धोना पड़ता है। लेकिन स्क्रीन फिल्टर की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि दोस्तों 24 घंटा में कम से कम 2 से 3 बार धोना पड़ता है। अगर पानी गंदा है तो ज़्यादा से ज़्यादा धोना पड़ता है। अगर आप नहीं धोएंगे स्क्रीन फिल्टर को तो आपकी पाइपलाइन जो उखड़ जाएगी या पीछे मोटर होगी वो आपकी मोटर जल जाएगी, तो वो दिक्कत कर सकता है। आपका लेबर कॉस्टिंग भी वहाँ पे जो है बढ़ जाता है, आपको बार बार जाना पड़ता है, वहाँ पे खर्चा होगा अगर एक आदमी भी वहाँ पे आप धोने के लिए रख देते हैं तो। लेकिन दोस्तों देखिए, आपका अगर छोटा खेत है, 1-2 बीघा है, आप छोटी सी खेती करते हैं, दिन में आपको 1-2 बार मोटर चालू करना है, तो आप वहाँ पर स्क्रीन फिल्टर जरूर यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों उसके बाद जो है चौथा फिल्टर हमारा आता है दोस्तों, डिस्क फिल्टर। अब देखिए डिस्क फिल्टर यानी क्या होता है, तो दोस्तों उसमें एक डिस्क होती है। अगर आपने आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हमारे चैनल पे जाइए दोस्तों, वहाँ पे आपको डिस्क फिल्टर के बारे में पूरा इंस्टॉलेशन के साथ पूरा वीडियो है, वहाँ पे देख लीजिए। और उसके साथ साथ सैंड फिल्टर का भी वीडियो है, रोटोक्लीन का भी वीडियो है, इन तीनों के बारे में हम लोगों ने वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाके देख लीजिए, आप वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जानकारी ज़्यादा वहाँ पे मिल जाएगी। अब दोस्तों डिस्क फिल्टर में क्या है कि फ़ायदा, छोटी सी छोटी जो पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे 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 कर्न्स रहते हैं, वो आगे उसमें से नहीं जाते हैं, पूरा रुक जाते हैं, वहाँ पे छोटी चूड़ियाँ रहती है उसके अंदर। तो डिस्क फिल्टर में आप क्या है कि बजट भी सस्ता है, सस्ते में आप उसको लगा सकते हैं, 4-5-6 हज़ार तक पूरा आपको डिस्क फिल्टर आ जाता है, लाइट वेट है, लगाने में आसान है, आसानी से आप अपने खेत में लगा सकते हैं। लेकिन इसको कुएं पे नहीं फिट करना है, इसको आपको सीधा प्लॉट है वहीं पे फिट करना है दोस्तों, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और सैंड फिल्टर और हाइड्रोक्लोन फिल्टर आप कुएं भी फिट कर सकते हैं, जहाँ पे मोटर है वहाँ पास में आप फिट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क फिल्टर आपको खेत के हिसाब के पास पास में फिट करना है। अब दोस्तों देखिए, डिस्क फिल्टर के अगर मेंटेनेंस देखा जाए तो मेंटेनेंस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार आप ले लीजिए आपका काम 3-4 साल तक तो आसानी से चल जाएगा। उसके बाद डिस्क फिल्टर में थोड़ा सा आपको धोना पड़ेगा, दिन में 1-2 बार आपको उसको डिस्क निकाल के साफ सुफ करके फिर अंदर डालना पड़ेगा, वो जरूरी है। अब दोस्तों हमारा आखिरी फिल्टर आता है, बहुत ही बढ़िया फिल्टर है दोस्तों, काम आपका आ सकता है ये फिल्टर जो है, रोटोक्लीन फिल्टर। अब दोस्तों रोटोक्लीन फिल्टर यानी क्या है कि आपके दिमाग में बड़े सवाल आ रहे होंगे, ये क्या है, कभी नाम सुना नहीं। तो दोस्तों ये फिल्टर जो है अभी कुछ सालों से है लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची है, बहुत ही बेहतर फिल्टर है, इसमें कोई झिकझिक नहीं है, मतलब धोना फोना साफ करना कुछ नहीं है। और इसको सीधा क्या करना है कि आपकी जो सबमर्सिबल है, जो मोटर है, उसके ऊपर सीधा लगता है, कुएं के अंदर छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ पानी का ठहराव है वहीं पे आप ज़्यादातर रोटोक्लीन फिल्टर फिट कर सकते हैं। अगर नदी में, तालाब में कहीं भी फिट करेंगे तो आपको फिर से एक एक्स्ट्रा फिल्टर लगाना पड़ेगा, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन आप कुआ तालाब है तो आप दोस्तों रोटोक्लीन फिल्टर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और धोता कैसे है, वो ऑटोमेटिक उसके अंदर स्प्रिंकलर रहते हैं, वो ऑटोमेटिक दोस्तों वो अपने आप साफ करता है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है। उसकी लाइफ साइकिल दोस्तों 4 से 4.5 साल तक एक रोटोक्लीन फिल्टर चलता है, अगर नॉर्मल ठहराव वाला पानी है। अगर गंदा पानी है तो वहाँ पे गंदा हो जाएगा, वो फिल्टर ज़्यादा चपक जाएगा, पूरा खींच लेता है पानी और ख़राब हो जाएगा आपका 1.5-1.5 साल के अंदर। और इसमें मेंटेनेंस कुछ है ही नहीं, एक बार अगर ख़राब हो जाए तो यूज़ एंड थ्रो वाला ये फिल्टर है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, एक बार ख़राब फेंक दीजिए। अब दोस्तों इसका अगर प्राइस रेंज की बात की जाए इस फिल्टर की, तो इस फिल्टर जो आपको लेके 5,500 से लेके 10,000 तक अलग अलग रेंज में आते हैं ये, लेकिन इसको लगा दीजिए तो 3-4 साल की फुर्सत हो जाएंगे आपको, इसमें अब दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये तो हो चुके हैं टॉप 5 फिल्टर्स, ये हम लोगों ने बात की, जैसे कि पहले सैंड फिल्टर, उसके बाद हाइड्रोक्लोन हुआ, स्क्रीन हुआ, डिस्क हुआ, उसके बाद रोटोक्लीन हुआ। अब दोस्तों मेरी राय क्या है कि आप कौन सा यूज़ करें, तो देखिए दोस्तों आपका खेत कितना बड़ा है, आप कितनी खेती मतलब करते हैं उसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड करता है। अगर आपका छोटा खेत है, दिन में 1-2 बार सिंचाई करते हैं, तो वहाँ पे आप स्क्रीन फिल्टर, डिस्क फिल्टर यूज़ कीजिए, सस्ता है, वहाँ पे आसानी से 1-2 बार आपको धोना पड़ेगा बस। लेकिन आपका खेत अगर बड़ा है, बड़े पैमाने पर आप खेती करते हैं, तो आपको वहाँ पे सैंड फिल्टर आप यूज़ कीजिए, उसके साथ साथ एक फिल्टर और लगा लीजिए, थोड़ा सा खर्चा हो जाएगा लेकिन आपको धोने में लेबर कॉस्ट आपकी बच जाएगी, बार बार आपको परेशानी वहाँ पे नहीं होगी। और दोस्तों एक सबसे मैंने आपको आखिरी में बताया वो रोटोक्लीन, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं आसानी से, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर छोटे किसान भाई अगर कोई है तो वो डिस्क फिल्टर का यूज़ करें, स्क्रीन फिल्टर का यूज़ करें, वहाँ पे बेहतर रहेगा। और पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट के ऊपर सिलेक्ट कीजिए, ये टॉप 5 फिल्टर्स मैंने आपको बताए, वो सब अपने आप में बेहतर है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा कहाँ पर लगाना है दोस्तों।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है किसान भाइयों तक, और हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।